बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अभी मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा आपको कि कंप्लीट स्क्वायर किस तरह हासिल किया जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। ये उसी तरह है जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। देखिए मैं तकरीबन वही एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल चलो इसमें ज़्यादा भी दे देता हूँ। मिसाल आपने हमने इसको करना है वाई इज इक्वल टू, देखिए 2x² + 3x + 4 को। इसका मेथड ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप में चलेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर एक्स को कट्ठे लिखे हमेशा, ये 2x² + 3x ब्रैकेट हो गया और ये प्लस के 4। अच्छा उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है सब इन दो को डिवाइड करेगा बस, तो ये हो जाएगा इन दो को डिवाइड करेगा 2 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा x² + 3/2x और प्लस ये 4 जाएगा। अच्छा अब देखिए दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप कि ये जो कोफिशियंट है x का उसके साथ 1/2 लिखे और ये वही 3/2 इसका होल स्क्वायर कर दे, तो 3/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16। आप इसमें ऐड करें 9/16, ये 2 वही है x² + 3/2x, ये कंप्लीट स्क्वायर के लिए 9/16 ऐड करूंगा तो इधर -9/16 भी जरूर लिखूंगा और प्लस 4। अच्छा अब ये y हो जाएगा 2, ये x² + 3/2x + 9/16 वही, ये प्लस के 4 वही लेंगे, बाकी ये -9/16 बाहर निकाल दूंगा। जब ये बाहर निकलेगा तो 2 इसको मल्टीप्लाई करके निकलेगा तो ये निकलेगा बाहर -9/8। इसके नीचे 1, इसका होल स्क्वायर कर ले 2, ये होल स्क्वायर है x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस इसकी एलसीएम होगी 8, ये होगा 32 - 9। तो ये y इज इक्वल टू 2x + 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 23/8 के। तो इस तरीके से ये पहला देखें। अब दूसरा भी मैं करने लगा हूँ, देखें मतलब क्वेश्चन इसके 3-4 कर लेता हूँ कब समझ आ सके कि y इज इक्वल टू -2x² - 6x + 3। इसी तरह बिल्कुल पहले इन दो को सेपरेट करके लिखें -2x² - 6x + 3। अब ये -2 से सबको डिवाइड करेंगे, -2 कामन ले लिया बाहर और सबको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x² और प्लस ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस के 3। अब इधर 1/2 लिखेंगे इंटू 3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 9/4 दोनों साइड में ऐड करेंगे तो वह आ जाएगा -2x² + 3x + 9/4, तो -9/4 भी आपको लिखना पड़ेगा प्लस के 3। तो ये तकरीबन वही एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, एक ज़्यादा दूंगा इसमें पिछले वाले लेक्चर से कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सेम चीज़ है तो किस तरीके से हो रही है। -2, अब ये x² + 3x + 9/4 ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अब ये -2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, देखिए -2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यानी ये बेसिकली -2 इसको मल्टीप्लाई करेगा ये बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 9/2 हो जाएगा और प्लस के 3। देखिए ये -2 कॉमन था तो ये -9/4 जब बाहर जाएगा तो इस तरह हो जाएगा तो ये y इज इक्वल ये -9/4 × -2 × 2 = 3 तो +9/2। अच्छा अब ये देखिए y इज इक्वल -2 ये x² + 3x + 9/4 और प्लस इसकी 2 एलसीएम ये होगी 9 + 6 तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -2 ये होल स्क्वायर है x, इसको भूल जाए इधर का सब साइन रहने प्लस, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 15/2। तो देखें आंसर्स भी तकरीबन वही आ रहे हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वही आंसर्स होंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन है देखें कि y इज इक्वल टू ये -x² - 2x + 1 तो मैं इसे लिखूंगा y इक्वल टू पहले इनको कट्ठे लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप इन दोनों को ब्रैकेट में कट्ठे लिखें प्लस 1। दूसरा स्टेप है कि आप जो इधर कोफिशिएंट है वो बाहर कामन लेके जाए, -1 कामन, इन सबको डिवाइड कर ये हो जाएगा x² + 2x + 1। अब ये 1/2 × 2 का होल स्क्वायर, 2 में कैंसिल 1 का स्क्वायर 1 तो 1 ऐड करेंगे -1 इधर ऐड करेंगे x² + 2x + 1 तो -1 भी करूंगा और प्लस 1 तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -1 ये x² + 2x
प्लस वन, वो ये माइनस वन बाहर निकलेगा लेकिन माइनस वन उसको मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा प्लस वन प्लस वन, तो ये आपका वाई आ जाएगा माइनस वन, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। इस तरह एक और एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इस वीडियो में, पहले वीडियो में नहीं की, मैं नेक्स्ट में कर रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स है, तो आप देखिए वाई इज इक्वल सबसे पहले इन दोनों को इकट्ठे रखें और माइनस सिक्स को सेपरेट कर दें, अब वाई इज इक्वल टू कॉमन ले लें तो बाकी दब जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के सिक्स। अभी ये टू पहले से है, वन अपॉन टू इंटू टू का होल स्क्वायर कर दूंगा, टू टू में कैंसिल तो वन स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यानी वन एड कर दूंगा प्लस वन, तो माइनस वन भी करूंगा और माइनस सिक्स, तो वाई इज इक्वल हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस टू जब बाहर निकलेगा ये टू मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस टू माइनस सिक्स, तो वाई इज इक्वल ये टू हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एट। तो आपने देखा कि ये भी कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये वही इसी तरह मेथड है तकरीबन मोर ऑर लेस जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था।